ठीक है ठीक है, तुम आगे कंधे पर कोई हाथ रखा, ठीक है, वैसे हाथ पकड़ेंगे और ऐसे करेंगे, इधर से स्माइल देंगे, ठीक है, ठीक है ना, अरे हाँ, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। एक बार फिर से वैसे ही बालिका सुरक्षा अभियान जो मुख्यमंत्री के आदेशानुसार और एसपी साहब के दिशा निर्देशन में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रत्येक विद्यालय में लड़कियों को जागरूक करने का यह अभियान है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में आजकल लड़कियों के साथ हिंसा, बलात्कार, लैंगिक हमला बहुत सारे हो रहे हैं, तो लड़कियां कैसे अपनी सुरक्षा कर सकें, किस टेक्निक से सुरक्षा कर सकें, उन्हीं को जागरूक करने का और जितनी सारी सरकार की योजना है, जितने सारे हेल्पलाइन हैं, उनको अवगत कराने के लिए आज हम सोनी थापा इंटरमीडिएट कॉलेज में आए हैं और लगभग 1000 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और जितने सारे हेल्पलाइन हैं सरकार की योजनाओं को जानकारी दी है। एसपी सर के निर्देशन में चल रहे ये महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा का जो अभियान चलाया जा रहा है, जो ये अभियान 1 जुलाई से शुरू होकर के 31 जुलाई तक ये पूरा अभियान चलेगा। आज का यह अभियान सोनी थापा कॉलेज के प्रांगण में रखा गया था, जहां पर ये बताया गया कि लड़कियों को सुरक्षा अपनी कैसे करनी है। इस बारे में सभी ने अपने अपने राय भी दिए थे, जिसमें कि कुछ राय बहुत अच्छी थी, जिसमें बी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरे रहिए, नेवर हेजिटेट, कभी भी किसी भी बात को कहने में हिचकिचाइए मत। आपके ऊपर कभी कोई परेशानी आती है, कोई आपका पीछा कर रहा है, तो जाकर सबसे पहले आप उसे पेरेंट्स को बताइए, महिला पुलिस लाइन में आप उसको जाकर उस नंबर पर डायल करिए 1080, वो नंबर भी 1090 एक नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन का नंबर भी है 100, आप जाकर के उस पर बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, पीड़िता उससे बात कर सकती है, किसी भी तरह कोई परेशानी हो तो ये पुलिस विभाग की ओर से, महिला कल्याण विभाग की ओर से ये बहुत अच्छी चीज़ें अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का हम सभी बहुत स्वागत करते हैं और इस अभियान में हम सभी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।